में पीएम मोदी का बर्थडे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकबाल भाई शहीद है, गुजरात राज्य हज कमेटी का चेयरमैन। आज हमारे देश के वड़ाप्रधान नरेंद्र मोदी साहब का हिंदुस्तान के अंदर एक खुशी का जन्मदिन उनका मनाया जाता है, उनका चौथेवा जन्मदिन है। इस जन्मदिन की मुबारकबादी पे हमने सब ने भाजपा बहुमती मोर्चा की तरफ से, मुस्लिम समाज की तरफ से, गुजरात गांधी हज कमेटी की तरफ से, हमने शाह आलम बाबा की दरगाह में उनका जन्मदिन मनाया है। और इंशाअल्लाह हमारे मोदी साहब बहुत ही अच्छी तरह देश की सेवा करें और उनको तंदुरुस्ती अल्लाह दे, और हम मुसलमान सब इनके साथ हैं, हमारे समाज के हिंदू मुस्लिम भाई भी इनके साथ हैं। हम लोग चाहते हैं कि हमको देश में जो बड़ा प्रधान मिले हैं, ये इतिहास के अंदर पहली दफ़ा मिले हैं, बहुत अच्छे काम कर रहे हैं और अल्लाह ताला उनको हर तरक्की के लिए तरक्की दे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैनुल आबिदीन अंसारी, महासचिव भारतीय जनता पार्टी, गुजरात प्रदेश। किस तरीके से आज मनाए हैं, क्या कुछ दुआएं की गई है, क्योंकि इलेक्शन भी आने वाला है, कैसे देखें? बड़ी मसरत के साथ हिंदुस्तान के वजीर आजम, गुजरात के प्रोते पुत्र माननीय नरेंद्र मोदी जी का आज 73वां सालगिरह, जिन्होंने अभी आपने देखा होगा कि G20 से पूरे विश्व को हिंदुस्तान में जो नई पहचान दी है, और गुज़िश्ता 10 साल से हिंदुस्तान को पूरे विश्व के अंदर एक नए ऊंचाइयों के साथ सबका साथ सबका विकास और सबके विश्वास के लिए गाथा उन्होंने आगे बढ़ाई है। अंत्योदय हर गरीब कल्याण से लेकर तमाम योजनाओं को हर समाज को साथ में लेकर चले हैं। आज हिंदुस्तान का मुसलमान आने वाले मुस्तकबिल को देखते हुए 2024 के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी को फिर से एक बार पूर्ण बहुमत मिले, ऐसे गुजरात के वली शहनशाह दरबार सालम सरकार के दरबार में आज हमारे गुजरात राज्य के चेयरमैन हाजी इकबाल सैयद साहब, जो हाल ही में हज पढ़ कर आए, उनकी आगेवानी में तमाम हाजियों के साथ आज प्रोग्राम हुआ। आज हमने ऐसे फूल अकीदत की चादर पेश की, उनके दरबार में दुआ पेश की, यहाँ के खिदमतगार सुबह भाई साहब और तमाम पूरे मेरे साथियों ने मिलकर दुआ करी। आने वाला मुस्तकबिल 2024 का भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलेगा, जिन्होंने हिंदुस्तान में मुसलमान के समाज नहीं हर समाज को लेकर साथ में चले हैं। गुजरात की गाथा आगे बढ़ रही है, इसी दुआ के साथ में फिर से एक बार हम आने वाले वक्त में माननीय नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन की दुआ करते हैं, उनकी तंदुरुस्ती, उनकी सेहत सलामती बनी रहे, इसी दुआ के साथ आज हमने सालम सरकार में दुआ करी है। अल्लाह ताला हमारी दुआ को कबूल करे, क्योंकि हाजियों के साथ हमारी दुआ है। अल्लाह उनके दरबार में जब कोई भी फूल अकीदत की चादर पेश करते हैं तो खाली नहीं जाती, क्योंकि ये वलियों का दरबार है। इस दरबार में जो मांगा जाता है वो इंशाल्लाह मुराद पूरी होती है। आने वाले 2024 के लिए हम उनके लिए दुआ करते हैं, और खास फिर से एक बार हिंदुस्तान पूरे विश्व के अंदर आगे तरक्की करे, इस दुआ के साथ अल्लाह हाफिज़। जय जय गरवी गुजरात।